हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ब्रजपाल सिंह। आई एम डायरेक्टर ऑफ युवान चाइल्ड हॉस्पिटल जयपुर। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बच्चे की ग्रोथ के लिए वो तीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ों में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। देखिए, ग्रोथ से हमारा मतलब होता है इंक्रीज इन साइज, जबकि डेवलपमेंट से मतलब होता है मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस, मतलब बच्चे की स्किल से रिलेटेड। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे ग्रोथ, मतलब उसकी साइज से रिलेटेड। बच्चा बढ़ता हुआ बच्चा है तो उसके लिए तीन वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये तीनों ही चीज़ें जो हैं ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोई भी चीज़ नंबर टू या नंबर थ्री नहीं है, तीनों ही चीज़ें जो हैं वो नंबर वन है। नंबर टू भी नंबर वन है, नंबर थ्री भी नंबर वन है। इन तीनों की ही अपनी इम्पोर्टेंस है। तो इसको आप ऐसे कंसिडर मत कीजिएगा कि यदि मैं बोल रहा हूँ पॉइंट नंबर टू या पॉइंट नंबर थ्री तो इनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है, इक्वल इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो चीज़ है एक बच्चे की ग्रोथ के लिए जो इम्पोर्टेंट है, स्लीप, एक अच्छी नींद। दोस्तों देखिए कि जब भी हम चाइल्ड ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जो कि हमारी ग्रोथ के या बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। उस हार्मोन को हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये सिक्रेट होता है जब बच्चा एक अच्छी नींद ले रहा हो, मतलब डीप स्लीप में हो रहा हो। और दूसरा, ये ग्रोथ हार्मोन रेगुलरली सिक्रेट नहीं होता, ये पल्सेज में सिक्रेट होता है। थोड़ी देर के लिए सिक्रेट हुआ, फिर बंद हो गया, फिर थोड़ी देर के लिए सिक्रेट हुआ, फिर बंद हो गया, मतलब इसकी पल्स निकलती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। और इसकी जो मेजर पल्स निकलती है जो कि 1.5 से 2 घंटे के लिए होती है, जिसमें कि ज़्यादा मात्रा में निकलता है, वो निकलती है जब बच्चा मिडनाइट से पहले की स्लीप में हो। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में 2-3 पीक और आती हैं, लेकिन जो मेजर पीक आती है वो मिडनाइट से पहले के टाइम पर आती है। तो ज़रूरी है कि बच्चा एक अच्छी नींद ले रहा हो, उस समय उसका ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। स्लीप के टाइम पर दोस्तों क्या होता है कि बच्चे के कुछ स्पेसिफिक बॉडी मूवमेंट्स हो रहे होते हैं जो कि डे टाइम में ऐसे नहीं हो रहे होते हैं। तो ये जो बॉडी मूवमेंट्स आते हैं ये उसकी मसल की स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी के लिए ज़रूरी है। तो स्लीप का यहाँ पर एक और फायदा है कि वो पर्टिकुलर जो मूवमेंट्स आ रहे हैं वो उसकी मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, उसकी मोबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, बच्चों का जो स्लीप का है एक रूटीन जरूर बनाइए। उनका सोने का एक टाइम होना चाहिए, उनका जगने का एक टाइम होना चाहिए बच्चों का। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी सोने से 2 घंटे पहले नो स्क्रीन टाइम, मतलब नो मोबाइल नो टीवी। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ स्लीप से रिलेटेड, कि आप चाहते हैं कि बच्चा रात को एक अच्छी नींद ले तो उसे दिन में बाहर निकालिए, मतलब नेचुरल जो डे लाइट है या नेचुरल जो सनलाइट है उसका एक्सपोजर उसे कराइए। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जो सनलाइट है या जो नेचुरल डे लाइट है, आपको पता है कि यहाँ 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी हुई है, 7 अलग अलग वेवलेंथ्स हैं यहाँ पर, और इसमें से एक कलर होता है ब्लू कलर का, मतलब ब्लू वेवलेंथ वाला। ये जो ब्लू वेवलेंथ है, ये ब्लू लाइट जो है ये हमारी बॉडी की या बच्चे की बॉडी की पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। और ये जो पीनियल ग्लैंड है यहाँ से मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन दो हॉर्मोन्स निकलते हैं, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। और ये मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन जो है ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करके रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा नेचुरल डे लाइट में एक्सपोज होता है तो उसका इवनिंग टाइम का जो मेलाटोनिन का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है, और ये इवनिंग टाइम का जो मेलाटोनिन लेवल है ये बच्चे की एक अच्छी नींद को सपोर्ट करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा दिन में बाहर रहे थोड़ा कुछ समय के लिए, और उसमें भी जो नून है, मतलब जो कि आपका दोपहर है उससे पहले वाली जो ब्लू लाइट है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए बच्चों का एक कोई ना कोई स्कूल में भी यदि वो हैं तो एक गेम पीरियड इस समय से पहले ज़रूर होना चाहिए जिससे कि वो ब्लू लाइट के लिए एक्सपोज हों। फ्रेंड्स, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ब्लू लाइट जो है
ये आपके स्क्रीन्स में भी है, मोबाइल्स से भी आ रही है, टीवी से भी आ रही है, लेकिन यहाँ से जो ये ब्लू लाइट आपकी बॉडी, बच्चे की बॉडी पर जो इम्पैक्ट डाल रही है वो टोटली नेगेटिव है। तो यहाँ वाली जो ब्लू लाइट है दैट इज़ हजार्डस और दैट इज़ डेंजरस फॉर द हेल्थ, लेकिन जो नेचुरल डे लाइट में जो ब्लू लाइट आ रही है दैट इज़ गुड फॉर द स्लीप, दैट इज़ गुड फॉर द चाइल्ड ग्रोथ। दोस्तों ये देखा गया है रिसर्चेज में कि जो बच्चे अपनी रिकमेंडेड स्लीप पूरी नहीं ले पाते हैं, जो बच्चे अपनी जो उनका स्लीप टाइम होना चाहिए जो रिकमेंडेशन है इतना यदि वो स्लीप नहीं ले पाते हैं, तो उसमें से 58% के अंदर मोटापे का मतलब ओवरवेट या ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा खतरा है। ये रिसर्चेज की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो स्लीप यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फिट रहे, तंदुरुस्त रहे, तो उसके लिए एक अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है। उसका एक अच्छा रूटीन बनाइए, उसका सोने का पर्टिकुलर एक टाइम बनाइए जिससे उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो मेंटेन रहे। वो पर्टिकुलर टाइम पे सोने जा रहा है, पर्टिकुलर टाइम पे उठ रहा है, नेचुरल डे लाइट का एक्सपोजर हो रहा है, ब्लू लाइट का एक्सपोजर हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हुई स्लीप की। अब जो फैक्टर नंबर टू है जो चाइल्ड ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, इनफैक्ट फैक्टर नंबर वन ही है वो भी, दैट इज़ न्यूट्रिशन, बच्चे की डाइट। दोस्तों मुझे मेरा जब चाइल्डहुड याद है, हमारे जब हम छोटे थे कोई भी घर पे रिलेटिव्स आ रहा है या कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं पापा के या कोई भी मिलने आता था, तो वो अपने साथ यूजुअली क्या कैरी करते थे, खाली हाथ नहीं आते थे। तो वो यूजुअली खाली हाथ तो अब भी नहीं आते, वो लेकर के आते थे फ्रूट्स, चाहे वो एप्पल है, बनाना है या दूसरा कोई भी है, बट यूजुअली जो वो लेकर के आते थे वो फ्रूट्स हुआ करते थे। और आजकल की डेट में जो मैं देख रहा हूँ वो एक बहुत बड़े बड़े अच्छे चॉकलेट्स का कोई फैंसी सा बढ़िया पैकेट है जिसमें अलग अलग साइज की अलग अलग शेप की चॉकलेट्स जो है वो कैरी करते हैं, वो लेकर के आते हैं। बाहर कोई आंटी घूम रही है वो बच्चे को अंकल चिप्स खिला रही है। ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनका तो बहुत बड़ा लाड है, वो छोटे छोटे चिप्स कुरकुरे इनके पैकेट लाकर बच्चे को दे देते हैं। उनका प्यार है लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि ये बच्चे के लिए गलत हो रहा है, क्योंकि बच्चा जो इस एज वाला है वो सिर्फ टेस्ट को समझ रहा है, उसके हिसाब से जो चीज़ टेस्टी है वो हेल्दी है। ये चीज़ आप और हम समझ सकते हैं, बच्चे को नहीं पता। तो उसने तो चॉकलेट खाई और टेस्ट तो मीठे और नमकीन से अच्छा किसी में नहीं मिलेगा, तो उसने चॉकलेट खाई है, चिप्स खाई है, कुरकुरे खाए हैं, अब वो तो यही डिमांड करेगा कि मुझे ये ला के दीजिए। ये हाई कैलोरी डाइट है, ना इनमें न्यूट्रिएंट्स हैं, ना इनमें मिनरल्स हैं, ना विटामिंस हैं। अब क्या करेंगे, आपने कैलोरी लेकर पेट तो भर लिया पर आपकी बॉडी में विटामिन्स तो नहीं गए, मिनरल्स तो नहीं गए, और हाई कैलोरी डाइट चली गई जो अलग। उसके बाद मदर को या पेरेंट्स को रहता है कि मेरा बच्चा कुछ खा नहीं रहा। अरे भैया आपके बच्चे ने बहुत कैलोरी ले ली है उसने दो चॉकलेट खा के, तो आपको पहले ये चलने के लिए कि हमें बच्चे को क्या खिलाना है, उससे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें बच्चे को क्या नहीं खिलाना है। तो बच्चे के लिए एक वेल बैलेंस्ड डाइट होना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए, विटामिन्स जाने चाहिए, मिनरल्स जाने चाहिए। हम बात ग्रोथ की कर रहे हैं तो ग्रोथ में मसल की ग्रोथ हो रही है, बोन्स की ग्रोथ हो रही है, बच्चा लंबाई में बढ़ रहा है तो बोन्स की ग्रोथ हो रही है, और बोन्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ कैल्शियम, कि बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा सही रहे। तो इट्स ओके, सब पेरेंट्स को देखा है दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द कैल्शियम लेवल। वो हम बच्चे को दूध देते हैं, सुबह भी देते हैं, दोपहर में भी देते हैं, शाम को भी देते हैं, बट माय डियर पेरेंट्स यदि बॉडी के अंदर विटामिन डी की कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं रहेगी तो ना तो इस कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा और ना इस कैल्शियम का बोन में डिपोजिशन होगा। तो आपको यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि बच्चे के लिए विटामिन डी का लेवल होना ज़रूरी है। जो आप कैल्शियम खाने में ले रहे हैं उससे उस कैल्शियम को ब्लड में एब्जॉर्प्शन करने के लिए भी विटामिन डी चाहिए, और उस ब्लड के कैल्शियम से उसे बोन में डालने के लिए भी विटामिन डी चाहिए। तो यहाँ पर विटामिन डी का एक बहुत बड़ा रोल है। और विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, द बेस्ट सोर्स अगेन, सबसे बड़ा सोर्स नेचुरल डे लाइट, एक्सपोजर टू सनलाइट। दूसरा, जो एक साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें यूजुअली विटामिन डी कम देखा गया है, मदर के मिल्क में भी विटामिन डी कम होता है, तो एक साल से कम उम्र के बच्चों को विटामिन डी का सप्लीमेंट दिया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, आप अपने पीडियाट्रिशियन से या बच्चों के डॉक्टर से बात कीजिएगा, यदि आप उसको विटामिन डी नहीं दे रहे हैं तो इन माई ओपिनियन आपको देना चाहिए। तो दोस्तों फैक्टर नंबर थ्री जो है चाइल्ड ग्रोथ वाला वो है
फिजिकल एक्टिविटी, मसल्स की ग्रोथ है, जॉइंट्स की ग्रोथ है, कार्टिलेज की ग्रोथ है, बोन्स की ग्रोथ है, लिगामेंट्स की ग्रोथ है, टिश्यूज की ग्रोथ है, बॉडी के किसी भी पार्ट की ग्रोथ है, उसको इन्हांस करना है, बढ़ाना है, उसके लिए सपोर्ट करना है, तो बच्चे को एक फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी किसी भी रूप के अंदर आप जॉगिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, क्लाइंबिंग कर रहे हैं, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। एक पर्सनल एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, इन दिनों मुझे कई बार ऐसे लगता है कि पेरेंट्स जो हैं वो कहीं ओवर कॉन्शियस तो नहीं है बच्चे की एक्टिविटी को लेकर के, अरे यहाँ मत जाओ गिर जाएगा, ऊपर मत चढ़ जल्दी नीचे आ लग जाएगी चोट, इधर मत जा उधर मत जा। ऐसा मैंने देखा है और शायद मैंने ऐसा महसूस किया है कि थोड़ा सा इसमें ओवर कॉन्शियस है। नो डाउट आपको लापरवाह नहीं होना है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है, बट यदि इतनी ज़्यादा रोका टोकी होगी तो बच्चे का वो जो नेचुरल जो निकल के आना चाहिए वो तो दब जाएगा। तो नो आप उसे रोक, जहाँ पर आपको लग रहा है कि खतरा है नो डाउट आप उसे रोकिए, क्योंकि हम अभी भी आजकल बच्चे, पहले ग्राउंड्स बहुत होते थे, आजकल बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, गलियों में खेल रहे हैं, सड़क पे खेल रहे हैं। गलियों में पहले भी खेलते थे लेकिन उस समय गलियों में ट्रैफिक नहीं होता था, तब इतना खतरा नहीं था, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि आप पार्क में खेल रहे हैं, बच्चे को खिला रहे हैं, या आप कोई ग्राउंड के अंदर हैं, तो एनवायरनमेंट सेफ है, सिक्योर है, तो लेट देम एंजॉय। और उनको जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, जिसके अंदर की कार्डियक एक्टिविटी बढ़ करके आती है, जॉगिंग, साइकिलिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, कुछ इस तरह की एक्टिविटी में उसे ज़रूर डालिए। चाइल्ड ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे की हाइट या बच्चे का विकास जो है इसके अंदर बहुत अच्छा होगा। एक इन तीनों ही चीज़ों से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप एज ए पेरेंट आप बच्चे के रोल मॉडल हैं, वो आपको देख रहा है और सीख रहा है, उसे कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या डाइट ले रहे हैं वो देखेगा कि मम्मी क्या खा रही है, पापा क्या खा रहे हैं, वो फॉलो करेगा। मम्मी एक्सरसाइज कर रही है, पापा एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो फॉलो करेगा। जिस तरह की एक्टिविटी आप चाहते हैं कि अपने बच्चे में निकाल के लाना है, तो उसे प्लीज़ उसके सामने एक एग्जांपल आप दें, आप खुद पहले उसे फॉलो करें। आप खाना खाने बैठ रहे हैं, सलाद की एक प्लेट साथ में रखिए, खाने के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अपने को मीठा ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे भी है वो आपको देखेगा और सीखेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैंने आपसे बात करी, तीन फैक्टर हमने डिस्कस करे, स्लीप के बारे में डिस्कस करा, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करा, न्यूट्रिशन के बारे में करा, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।